मैं डॉक्टर कृतिका, फाउंडर ऑफ त्रेया आयुर्वेदा। हमारे पास कई पेशेंट्स के कॉल और मैसेजेस आते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप अपने लिए जागरूक होकर सवाल करते हैं। इसलिए आज हम बात करेंगे किडनी फेलियर से जुड़े आपके कुछ सवालों पर। आइए जानें किडनी फेलियर के लक्षण, कारण और उसके ट्रीटमेंट के बारे में। आजकल के समय में जीवन शैली के बदलते प्रभावों को देखते हुए लोगों में पहले की तुलना में किडनी से रिलेटेड समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। अगर किडनी रिलेटेड कारणों और लक्षणों को पहचानकर आप समय रहते इसका इलाज करेंगे तो आप डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट से बच सकते हैं। भारत में 17% एडल्ट्स में किडनी फेलियर की समस्या पाई गई है, जिनमें 7% को ही अपनी बीमारी के बारे में पता लगता है। कई पेशेंट्स में तो 90% से ज्यादा किडनी खराब होने पर ही पता लगता है कि उनकी किडनी खराब हो चुकी है। अगर आप ओबेसिटी से ग्रसित हैं या बीपी कंट्रोल करने के लिए 2 से ज्यादा मेडिसिन खा रहे हैं या लंबे समय से डायबिटीज की मेडिसिन खा रहे हैं या फिर हार्ट, आर्थराइटिस या लिवर डिसऑर्डर्स जैसे गैस, एसिडिटी या कॉन्स्टिपेशन के लिए केमिकल युक्त मेडिसिन का सेवन कर रहे हैं तो समझ लीजिए आप किडनी फेलियर की तरफ अपने कदम बढ़ाते जा रहे हैं। किडनी फेलियर 2 तरह का होता है, एक्यूट किडनी इंजरी और क्रोनिक किडनी डिजीज। एक्यूट किडनी इंजरी में कुछ ही समय के लिए आपकी किडनी खराब होती है, यानी कि थोड़े ही समय के लिए आपकी किडनी इफेक्ट होती है या उसके फंक्शन डिस्टर्ब होते हैं। और अगर इसका सही डायग्नोस करें और उसका ट्रीटमेंट किया जाए सही तरीके से तो इसको रिकवर भी किया जा सकता है। इसके कारण है जैसे क्रोनिक एलर्जी होना, इन्फ्लामेशन या फिर ज्यादा इंटेक करना पेन किलर्स या फिर एंटीबायोटिक्स का, और कुछ बीमारियां जैसे हार्ट अटैक होना, लीवर फेलियर, डिहाइड्रेशन या फिर लो ब्लड प्रेशर। इसके कुछ लक्षण भी हैं जैसे पेशाब का कम आना, पैरों और शरीर के अन्य हिस्सों में सूजन होना, थकान होना या फिर फेफड़ों में पानी भर जाना या फिर ब्लड में पोटेशियम का बढ़ना या फिर सांस फूलना। क्रोनिक किडनी डिजीज में किडनी लगभग 80% से ज्यादा खराब हो चुकी होती है। इसके 5 स्टेजेस बताए गए हैं जो कि GFR की वैल्यू पर आधारित होते हैं। और लेटर स्टेजेस में इसके कुछ सिम्टम्स भी आते हैं जैसे सुबह उठने पर चेहरे पर स्वेलिंग होना, रात में पैरों पर स्वेलिंग होना, अनीमिया यानी खून की कमी होना, रात में बार बार पेशाब जाना, बीपी की दवा लेने पर भी बीपी का कंट्रोल ना होना या फिर विटामिन डी की कमी हो जाना, शरीर में खुजली होना या फिर पेट के निचले हिस्से में बार बार दर्द होना। किडनी में 10 लाख फिल्टर्स होते हैं जो कि खून को साफ करते हैं। उसके बाद यह खून ट्यूब्यूल्स में जाकर एक स्पेशल फिल्ट्रेशन प्रोसेस के तहत जरूरी पदार्थ रीअब्सॉर्ब करता है और बाकी यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देता है, जैसे सोडियम, पोटेशियम, पॉइजनस मटेरियल, एक्सेस वाटर, प्रोटीन या फिर एसिडिक मटेरियल को शरीर से बाहर फेंकता है। नॉर्मली हमारे शरीर में 180 लीटर फिल्ट्रेट से 1 से 2 लीटर यूरिन एक दिन में निकलता है, पर अगर किडनी फेल हो जाए तो यही फिल्ट्रेट 10 से 20% ही कार्य करते हैं, यानी 10 से 20 लीटर फिल्ट्रेट से 1 से 2 लीटर यूरिन आना। कहने का मतलब अगर आपका यूरिन आउटपुट 1 से 2 लीटर है तो ये नहीं समझना चाहिए कि आपको किडनी प्रॉब्लम नहीं हो सकती, क्योंकि अगर 100 लोगों का काम आप 10 लोगों से करवाएंगे तो सोचो होगा क्या। कुछ दिन काम तो होगा पर एक दिन 10 लोग काम छोड़कर भाग भी सकते हैं। इसी तरह किडनी पर भी ओवरलोड होने पर कुछ दिन यह सही काम करती है पर बाद में अचानक आपको पता चलता है कि आप किडनी फेलियर के शिकार बन चुके हैं। एलोपैथी में इसका ट्रीटमेंट केवल किडनी ट्रांसप्लांट बताया गया है, पर एक्यूट किडनी फेलियर में इसे सपोर्टिव ट्रीटमेंट और लाइफस्टाइल एंड डाइट मैनेजमेंट से ठीक किया जाता है। अब सवाल यह है कि क्रोनिक किडनी फेलियर पता चलने पर क्या करें? एलोपैथी डॉक्टर्स के अनुसार 4 लाख पेशेंट में से लगभग 10,000 पेशेंट को ही किडनी मिल पाती है, क्योंकि कई सुपरस्टिशंस की वजह से या फिर हम कह सकते हैं लैक ऑफ नॉलेज के कारण किडनी डोनर्स का मिलना काफी मुश्किल होता है। जब तक किडनी ट्रांसप्लांट ना हो तब तक डायलिसिस की सलाह दी जाती है, पर डायलिसिस कोई ट्रीटमेंट थोड़े ना है।
डायलिसिस एक तरीका है जिससे कुछ समय के लिए ट्रांसप्लांट डिले किया जा सकता है, पर ट्रीटमेंट तो हुआ नहीं क्योंकि क्रिटिनिन, यूरिया, यूरिक एसिड का डायलिसिस के बाद घटना ट्रीटमेंट नहीं है। यह सिर्फ खून को साफ करने का एक तरीका है। यह नेक्स्ट डायलिसिस से पहले फिर बढ़ जाता है क्योंकि किडनी ब्लड को फिल्टर नहीं कर पा रही है। अब सवाल यह है कि करे तो करे क्या? आयुर्वेद में किडनी के रोगों पर विस्तार से वर्णन किया गया है। आचार्य चरक ने गुर्दों के रोग, उसके कारण, लक्षण और उसकी चिकित्सा पर डिटेल में बताया है। किडनी फेलियर से लड़ने के लिए लाइफस्टाइल और डाइट मैनेजमेंट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले लाइफस्टाइल और डाइट से जुड़े कुछ फैक्ट्स पर बात करते हैं, जिसमें क्रिटिनिन को कम करना सबसे ज्यादा जरूरी है। क्रिटिनिन को कम करने के लिए प्रोटीन कम खाएं, जिसमें नॉनवेज, डेयरी प्रोडक्ट्स, दालें आदि को बिल्कुल ही बंद कर दें या फिर बहुत ही कम मात्रा में इसका सेवन करें। इसकी बजाय आप प्लांट प्रोटीन ले सकते हैं, जैसे ब्रोकली, टमाटर, शिमला मिर्च, मटर, करेला, घिया, तोरी जैसी वेजिटेबल्स ही खाएं। आप कार्बोहाइड्रेट रिच फूड भी ले सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट रिच फूड हमारे शरीर में जरूरत पड़ने पर खुद ही प्रोटीन बनाता है, जैसे वीट, राइस या मिलेट से बना पोहा, सूजी या फिर ओट्स, दलिया का सेवन करना। अब हम बात करेंगे पोटेशियम डाइट पर। पोटेशियम बढ़ा हो तो पोटेशियम रिच फूड अवॉइड करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर पोटेशियम रिच फूड आप लेंगे तो कहीं ना कहीं आपको कार्डियक इश्यूज भी होने लग सकते हैं। जो वेजिटेबल जमीन के नीचे से मिलती है, जैसे आलू, शकरकंदी, शलगम आदि, इनका इस्तेमाल कम से कम करें। पत्तेदार सब्जियों को भी कम खाएं। फल के फॉर्म में लगी हुई वेजिटेबल जरूर खानी चाहिए, जैसे घिया, तोरी, कद्दू, बैंगन, मटर आदि। आप हर रोज सब्जियों को बदल बदल कर खा सकते हैं, इससे आपके बॉडी के अंदर मिनरल्स अलग अलग फॉर्म में जाएंगे। इसके अलावा आप लीचिंग प्रोसेस द्वारा भी वेजिटेबल का इंटेक कर सकते हैं, पर ध्यान रहे अगर आपका पोटेशियम लेवल मेंटेन्ड है या कम है तो लीचिंग प्रोसेस को ना फॉलो करें, क्योंकि इससे वेजिटेबल्स में पाए जाने वाले मिनरल्स की कमी हो जाती है, क्योंकि आप वेजिटेबल्स को पहले पानी में भिगो के रखते हैं जिसकी वजह से मिनरल्स कम हो जाते हैं। तो आपने ध्यान रखना है, लीचिंग प्रोसेस आपने तभी इस्तेमाल करना है अगर आपका पोटेशियम लेवल बहुत ही ज्यादा हो या बहुत ज्यादा हाई हो। अब हम बात करेंगे फ्रूट्स पर। अगर हम फ्रूट्स के इंटेक की बात करें तो पोटेशियम रिच फूड को अवॉइड करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जैसे बनाना, कीवी, एवोकाडो, डेट्स या फिर कोकोनट वाटर। पोटेशियम रिच फूड को अवॉइड इसलिए भी करना है क्योंकि पोटेशियम का ब्लड में स्तर बढ़ने पर यह मसल फटीग करता है, जिस कारण हार्ट अटैक की संभावना बढ़ती है। इसलिए रीनल फेलियर के साथ खान पान का सही चुनाव करना बहुत जरूरी है। अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज या फिर योग पर। किडनी फेलियर में प्राणायाम, स्ट्रेचिंग, योगा आसन और मेडिटेशन बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। ऑक्सीजन सेचुरेशन इन सब व्यायामों से बढ़ती है, जिस कारण सेल्फ हीलिंग फास्ट हो जाती है और आप जो भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं उससे रिकवरी रेट बढ़ने लगता है। पर ध्यान रहे, हैवी एक्सरसाइज ना करें क्योंकि इससे मसल फटीग होगा और पोटेशियम बढ़ेगा, तो हल्का व्यायाम ही करना चाहिए। आयुर्वेदा में कई जड़ी बूटियों और उसके कॉम्बिनेशन से आज के समय में किडनी फेलियर के रोगियों में रिवर्सल देखने को मिला है। कई आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स एंड रिसर्च सेंटर्स में पेशेंट्स को आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड पंचकर्मा थेरेपीज द्वारा ठीक किया जा रहा है। NCBI की वेबसाइट पर भी आप कई किडनी फेलियर रिलेटेड रिसर्चेस देख सकते हैं, जो कि आयुर्वेदिक मेडिकेशन जैसे रसायन चूर्ण, वरुण आदि काढ़ा या निरुबस्ती द्वारा पेशेंट्स को रिकवरी की तरफ ले जाते हैं। आयुर्वेद में क्रोनिक रीनल फेलियर को मूत्र व स्रोतस का रोग कहा गया है। इस रोग में तीनों दोष रोग का कारण बनते हैं, जिसमें कफ ब्लॉकेज करता है और वायु किडनी की डीजेनरेशन करता है। आयुर्वेदिक प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग रसायन द्रव्यों को लेने से किसी भी ऑर्गन्स के टिश्यू की क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सकता है, मतलब ऑर्गन के फंक्शंस को भी हम इम्प्रूव कर सकते हैं। ब्लॉकेजेस को लेखन द्रव्यों द्वारा ठीक किया जा सकता है,
जिसके इस्तेमाल से कई किडनी फेलियर रोगियों में क्रिएटिनिन, यूरिया, यूरिक एसिड या फिर GFR में भी सिग्निफिकेंट चेंजेस देखने को मिले हैं। आज हमने किडनी फेलियर पर बात की, पर फिर भी कई लोगों के सवाल अभी भी होंगे। आपके सवाल और उनके सॉल्यूशंस के लिए आप हमें कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। फिर मिलेंगे आपकी हेल्थ रिलेटेड समस्याओं के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।